प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार पुनः आपके लिए हाजिर हूँ एक्सरसाइज 6.5 को लेकर के, कक्षा 10। एक्सरसाइज 6.5 पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित समस्याएं हैं। 8वें सम से हम शुरू करने वाले हैं। तो इसमें क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, पहले उसको देखते हैं। आकृति हमें दी हुई है, आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में, अभ्यंतर मतलब बीच, बीच में बिंदु O है तथा OD परपेंडिकुलर BC। जो OD है वो इसके ऊपर लंब है। OE लंब किसके ऊपर है, AC के ऊपर। OE लंब AC के ऊपर, और OF जो लंब है वो AP के ऊपर। ये हमें दिया है, सिद्ध करना। यहां पर क्या है हमारे पास, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर किसके बराबर, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। पहले पार्ट को करेंगे, फिर दूसरा करेंगे। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर में AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। बहुत आसान है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब करेंगे सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का बुद्धि के साथ इस्तेमाल करते हुए इसको हम सिद्ध कर लेंगे। तो यहां देखिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, OF की, BD की, CE की। OF ये रहा, BD ये रही, OE ये रही। तो OF साथ में क्या है, OE। इट मींस ये वाली ट्रायंगल OFA या OFA कह सकते हो। तो त्रिभुज समकोण OAF में जो कोण F है वो कितना है, 90 है। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस लगाएंगे इसके ऊपर, 90 ये रहा, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, OA, यानी कि कर्ण OA स्क्वायर बराबर में AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। तो पाइथागोरस हमने लगा दी, लेकिन हमें क्या चाहिए, अकेला AF एक साइड पर चाहिए, बाकी दोनों दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहां से AF स्क्वायर बराबर ये OF को हम इस साइड ले आए, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर इसको हम क्या लिख दें, 1। इसी प्रकार दूसरा ढूंढेंगे BD कहां है, ये रहा। BD के साथ क्या है, OB, मतलब ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OBD समकोण त्रिभुज OBD में कौन सा 90 है, यहां पर D, कोण D बराबर में क्या है, 90। तो D के सामने कर्ण है, OB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए क्या, BD। तो BD को एक तरफ रख लेंगे, BD स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ये OD को इस साइड ले। नंबर 2, अब समकोण त्रिभुज कौन सी ले, CE चाहिए, ये वाली। तो OEC में, OEC में जो E कितना है वो 90 है, कितना है, 90 है। तो यहां पर लगा देंगे पाइथागोरस CE,
ये तो OC स्क्वायर बराबर में CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, तो यहां CE की वैल्यू निकाल लें, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर नंबर 3, तो तीनों को जोड़ दें, बीच में प्लस है, 1 2 तथा 3 जोड़ने, तीनों को जोड़ देते हैं, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर में OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। तो देखिए क्या आपका आंसर मिल गया, OA है, OB है, OC है, OA है, OB है, OC तीनों का स्क्वायर है, माइनस OD स्क्वायर, OE स्क्वायर और OF स्क्वायर। तो सीरियल में इसको हम लिख सकते हैं, चाहे ये उठा के हम इधर लिख दें या इधर लिख दें, एक ही बात है। तो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। तो पहला पार्ट पूरा हुआ, इति सिद्धम, इसको क्या लिख दो, नंबर 4। तो पहला जो पार्ट है वो पूरा हुआ, तो दूसरे पार्ट के लिए क्या करें, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही करना है, क्योंकि देखिए एक साइड तो वही है AF BD और CE, तो ऐसे ही रहेगा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर 4 से बराबर में किसके है, OA कौन सा है, ये वाला OA, और इसको हम कंपेयरिंग इसके साथ कर देंगे, OA और OE, ये रहा OA और ये रहा OE, इसको हम इकट्ठा कर देते हैं, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ये देखिए इसकी पेयरिंग कर दी दोनों की, OA और OE की, प्लस प्लस में दूसरा कौन सा है, हमें क्या चाहिए, CD, क्या चाहिए, CD ये चाहिए, तो इनकी पेयरिंग करते हैं, एक तो CO की माइनस OD, ये CO और साथ में हम पेयरिंग करेंगे इसकी, जो हमें रिक्वायरमेंट है हमने इसकी और इसकी कर दी, तो जो ट्रायंगल हमने नहीं ली ये ली है, OC और OD की कर देते हैं, OC और OD, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस, तीसरा क्या बच गया, OB और OF, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, तो अब ध्यान से ऑब्जर्व करें, OE स्क्वायर OA स्क्वायर, ये हो गया OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, तो ये कर्ण का वर्ग माइनस आधार या लंब का स्क्वायर, तो किसके बराबर हो गया, AE स्क्वायर, किसके बराबर हो गया, AE स्क्वायर, तो बराबर में स्क्वायर, इसी तरह OC माइनस OD, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर किसके बराबर हो गया, DC का स्क्वायर, किसके, DC का स्क्वायर, तीसरा OB माइनस OF, OB माइनस OF, तो क्या बन गया, BF, तो यही हमने सिद्ध करना था, आप देखिए AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर में AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, तो हमारा प्रूव हुआ है, इति सिद्धम। तो ये वाला पार्ट आप ध्यान से दोबारा से ऑब्जर्व करें, नोट करें किस तरह से हमने किया है, बस पेयरिंग इस ट्रायंगल में लगाई थी उसको इस ट्रायंगल में शिफ्ट कर दिया, इस ट्रायंगल में लगाई थी इस ट्रायंगल में शिफ्ट कर दिया, यहां लगाई थी यहां शिफ्ट कर दिया, उसी को रीएडजस्ट किया है, इस प्रकार से आपका सम पूरा। नेक्स्ट 9th और 10th सम, इसका हम हल करते हैं, बहुत आसान है, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर आधारित है ये, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने से भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचती है, तो ये मान लीजिए कोई दीवार है,
ये उसकी खिड़की है। इस खिड़की तक ये सीढ़ी पहुंचती है, ये क्या है सीढ़ी, जिसका नाम दे दिया अपन ए बी सी। आपको पता है खिड़की सीधी खड़ी होती है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो सीढ़ी कितनी है 10 मीटर, और भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की जो है दीवार पर कितनी ऊंची है 8 मीटर। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये ए बी हमें ज्ञात करनी है, सीढ़ी ए सी की लंबाई कितनी है 10 मीटर, खिड़की की ऊंचाई खिड़की बी सी, बी सी की ऊंचाई वो कितनी है 8 मीटर। तो हमें क्या निकालना है ए बी, तो जो कोण बी है वो कितना है 90 डिग्री, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा ए सी स्क्वेयर बराबर में ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, तो वैल्यू पुट कर दें ए सी की 10 का स्क्वेयर बराबर ए बी हमें निकालना है, बी सी कितना है 8 का स्क्वेयर, तो यहां से देखिए ए बी हमें निकालना है, तो ए बी स्क्वेयर बराबर में 10 का स्क्वेयर माइनस 8 का स्क्वेयर, ये उठा के हम इसे लेंगे, 10 का स्क्वेयर 100 माइनस 64 बराबर में 36, तो ए बी का स्क्वेयर बराबर में 36, तो ए बी यहां पर कितना आ गया 36 का अंडर रूट मतलब 6 मीटर, तो कितनी है दूरी ए बी बराबर 6 मीटर। तो ये सम अच्छी तरह से समझ आ चुका है। दसवां सम, 8 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, एक खंभा है कितना ऊंचा है 18 मीटर ऊंचा खंभा, एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। आप कभी खंभे को देखें तो आप इस प्रकार उसके साथ तार जुड़ी हुई पाएंगे, तो ये खूंटा है, ये लिख देता हूं ए बी सी, खंभा सीधा खड़ा होता है तो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री का होगा, और ये है तार, तार की लंबाई कितनी है 24 मीटर, तो हमें क्या निकालना है ए बी निकालनी है, खंभे से खूंटा कितनी दूर है, क्या निकालना है खंभे से खूंटे की दूरी हमें फाइंड निकालनी है, जो तार है वो एसी कितनी है 24 मीटर, खंभा जो है बीसी वो कितना है 18 मीटर, तो कोण जो बी है वो कितना है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यहां से हम देखेंगे एसी स्क्वेयर कर्ण का वर्ग, कर्ण यहां पर एसी है बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, तो आधार हमने निकालना है ए बी स्क्वेयर बराबर ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर, तो बी सी स्क्वेयर को उठा करके इस साइड हम ले आए, तो ए सी कितना है 24, 24 का वर्ग माइनस 18 का वर्ग, तो 24 का वर्ग कितना होता है 24 गुना 24 576, कितना होता है 576, आप याद करें वर्ग 25 तक तो आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, 18 का वर्ग कितना होता है 324, कितना होता है 324, तो देखिए तो ए सी स्क्वेयर दोनों को माइनस करें, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गए 2, तो 252,
तो 252 एसी निकालेंगे तो 252 का स्क्वायर रूट। तो 252 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं आइए देखते हैं। 2 पे गया 126, 2 पे गया 63, 3 पे गया 9, 21, 3 पे गया 7। तो पेयरिंग में अगर लिखें तो 2 × 2 4 की 12 की 36, 36 का तो रूट निकाल सकते हैं। इसको हम लिख दें 36 × 7, तो 36 का रूट कितना होता है 6, तो इतना आंसर आ गया। तो एसी बराबर में 6.7। खंबे से खूंटे की दूरी हमने कितनी निकाल दी 6√7, ये आ गया उत्तर। आप वर्गमूल निकाल के इसको पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी है।